Hello everyone, this is Vivek Kumar and in this video I'm going to discuss chapter power sharing. So first of all, we know what is the meaning of power sharing. So a policy agreed between political parties within a coalition to share responsibility for decision making and political action. So its definition ki through hum ye samajhte hain ki power sharing, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी देश के अंदर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स पावर को शेयर कर रहे हैं। ये नहीं कि पावर जो है वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बीच है। इन दिस चैप्टर हम दो कंट्रीज एग्जाम्पल लेंगे एंड ये देखेंगे कि वहां किस तरह से पावर स्ट्रगल चल रहा है एंड किस तरह से वहां की गवर्नमेंट उन पावर स्ट्रगल को हैंडल कर पा रही है। सो हमारे पास दो एग्जांपल हैं। वन कंट्रीज इज बेल्जियम एंड अनदर वन इज श्रीलंका। ओके, सो हम सबसे पहले देखते हैं एथनिक ग्रुप्स बेल्जियम के अंदर। सो बेल्जियम में आप देखेंगे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी दिखाती है हमें, जहां पर 59% पर्सन फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है एंड दे आर स्पीक Dutch. There are Dutch speaker and 40% population Wallonia region mein aur survive karte hain and they are French speaker and rest of 1% population speak German. इन कैपिटल ब्रुसेल्स, बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है?